नमस्कार, सच देखेगा बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खान। कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड आपको देखने को बिहार में कई जगह पे मिल रहा है और लोग आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि देखिए लोग आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक संघर्षशील नेता है जो पद यात्रा कर रहे हैं 5 जनवरी 2023 से औरंगाबाद से 155 किलोमीटर हाजीपुर पैदल यात्रा करते हुए रेलवे संघर्ष समिति के मांग कर रहे हैं, रेलवे की मांग कर रहे हैं। और कड़ाके की ठंड, देखिए आग ताप कर हर जगह पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, अपने घर में रहकर और जान बचा रहे हैं। मगर ऐसे क्रांतिकारी नेता, संघर्षशील नेता मनोज सिंह यादव, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक हैं, इतनी कड़ाके की ठंड को देखते हुए भी वो पैदल मार्च कर रहे हैं। हर जगह उनको लोग सहयोग कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ हर जगह लोग सहयोग कर रहे हैं, माला ढोल माला के साथ। मगर अभी तक बिहार का या देश का नेता को आंख नहीं खुला है। अभी तक ऐसा एक पिछड़ा जिला है जिसका नाम अरवल है, अभी तक रेलवे लाइन नहीं आ पाई है। उसी के संघर्ष में पैदल यात्रा 155 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिहार में एकलौता नेता है जिनका नाम मनोज सिन्हा। अगर रेलवे का मुद्दा, अगर आपको जो बजट नहीं मिलता है तो अरवल की जनता का मांग होगा कि रेल नहीं तो वोट नहीं, इस पे आपको क्या कहना है? अब तो इसके अलावा उपाय क्या है लोकतंत्र में? अगर नहीं मिलता है अरवल जिला को, अब पूरा जिला का 70 लाख जनता का आबादी है काराकाट, औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, तो वोटे तो अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। अब वोटे के अधिकार से नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वोट का अधिकार जो होता है वो सबसे बड़ा अधिकार है, ताकत है। शहर में रहने वाला हो या देहात में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो या मकान में रहने वाला हो, सबका वोट का कीमत बराबर है। वोटे तो एक ताकत दिए हैं बाबा साहब, जो सारे आदमी का अधिकार बराबर है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो चपरासी हो, सबका वोट का कीमत बराबर है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सब लोग का मुद्दा है, पूरे मगध धरती का मुद्दा है, जो अरवल धरती का मुद्दा है, जो हर पार्टी एक दूसरे पार्टी इनको समर्थन दे रहे हैं और लोग रोड पर आकर गाजे बाजे के साथ मनोज जी के साथ सहयोग से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। और मनोज जी आग तापते हुए अभी नजर आ रहे हैं जो प्रसादी इंग्लिश बाजार में हम लोग बैठे हुए एक साथ। और ये संघर्ष करीब कई तारीख तक चलेगा? ये 5 तारीख से चालू हुआ है, 11 तारीख को इसका प्रदर्शन के बाद समाप्त किया जाएगा। 11 तारीख को प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा। पहले ही 9 साल से करीब पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करने का काम इन्होंने किया, वहां पर भी लाठी डंडा तक पिटाने का इन्होंने काम किया, मगर संघर्ष को छोड़ा नहीं। और संघर्ष अभी भी जारी है और पैदल यात्रा के मार्फत आप देख सकते हैं तमाम यहां जनता जनार्दन और तमाम यहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं और समर्थन के साथ साथ आगे भी समर्थन मिलते जा रहा है। और एक ही मुद्दा है, रेल नहीं तो वोट नहीं।